एक ऐसा देश जिसने कृषि पैदावार में कमी से लेकर विश्व के अन्नदाता बनने तक का सफर तय किया है, और उस सफर की बदौलत देश के हर छोटे बड़े उपलक्ष में पकवानों की थाल सजती है। हर समारोह में बने खाने को लोग चटकारे लेकर खाते हैं, वहीं कुछ लोग जूठे बर्तनों में से बचा हुआ खाना अपने पेट को भरने के लिए खाते हैं। देश की इस विडंबना में दो पहलू नजर आते हैं। एक वह पहलू जो सड़कों पर गाड़ियों से दौड़ता है, और दूसरा वह पहलू जो सड़कों पर रात में थम जाता है। वहीं रहता है, वहीं सोता है, और वहीं खाता, वहीं जीवन गुजारता है। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं। पर एक चीज जो सिर्फ यह लोग जानते हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और अन्नदाता बनने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कुमाऊं का मुख्य द्वार कहे जाने वाला हल्द्वानी शहर, जो अपनी हरियाली एवं संस्कृति के लिए मशहूर है, उसी शहर के बड़े अस्पताल के नजदीक चली आ रही थाल सेवा हर रोज करीबन 1000 जरूरतमंदों को पेट भर खाना खिलाती है, वो भी मात्र 5 रुपए में। 18 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई ये थाल सेवा पिछले 4 सालों में करीबन 10 लाख लोगों को खाना खिला चुकी है। और ये थाल सेवा शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि बहुत से लोग जो यहाँ पीछे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आप देखते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं जो तीमारदार होते हैं, मरीजों के साथ आते हैं, उनको खाने की दिक्कत हुआ करती थी। तो हमने ये सोचा कि उनको सस्ती दरों पे, यानी 5 रुपए में हम उनको खाना कैसे प्रोवाइड कराएं, किस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने ये थाल सेवा शुरू करी। यह थाल सेवा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलाई जाती है, और शाम 7 बजे से 11 बजे तक निशुल्क भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। थाल सेवा के साथ साथ वस्त्र सेवा, पशु सेवा और जरूरतमंदों को उपचार के लिए फंड दिलवाने जैसे कार्य लिटिल मिराकल फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं। देखिए, लिटिल मिराकल फाउंडेशन जो हमारी संस्था या टीम थाल सेवा है, वो यहाँ पे आपने देखा होगा वस्त्र सेवा कर रही है। एक हम लोग उपचार सेवा करते हैं, जैसे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनका इलाज कराने की व्यवस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम लोगों ने पेड़ सेवा भी यहाँ पे शुरू की है। पट्टी हम रोज 30 किलो दाल बनाते हैं और एक गुंड अपनी चावल बनाते हैं, कम से कम 1300-1400 लोग रोज खाते हैं। थाल सेवा के संयोजक बताते हैं कि उनके पास लगभग 1 साल की थाल सेवा करने का राशन इकट्ठा है। इस सेवा को कुमाऊं के बड़े अस्पताल के पास शुरू करने की एक वजह ये भी है कि यहाँ दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ खाते हुए लोगों में किसी भी तरह का भेदभाव नजर नहीं आता। ऐसा हुआ भी था, मतलब एक का मतलब हाथ में कोई दिक्कत थी, मतलब खा नहीं पा रहा था, उसको जो हमारे मेरे साथ का जो दूसरा सैफ है दिनेश, हमारा साथी है, जो उन्होंने अपने हाथों से खिलाया था। इंसानियत के धन की तरह इस संस्थान का उद्देश्य भी उन लोगों को भोजन परोसना है जो जरूरतमंद है। वे चाहते हैं कि कोई भी शहर भर में भूखा न सोए। संस्थान के खाने की गुणवत्ता एवं साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यह सेवा प्रारंभ की गई है। ना सिर्फ आए हुए लोग बल्कि उनकी एक गाड़ी शहर भर में घूमकर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाती है। कोरोना काल में जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था, तब लिटिल मिराकल फाउंडेशन की थाल सेवा गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में और घर घर में जाकर लोगों को खाना प्रदान कर रही थी। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी दौरे पर आए, तब उन्होंने सेवा की जानकारी लेने के साथ साथ खाने का लुफ्त उठाया और 5000 की प्रति माह राशि का सहयोग दिया। हल्द्वानी जैसे खूबसूरत शहर में चली आ रही
ये थाल सेवा इस बात का प्रतीक है कि आज भी लोग सेवा के भाव से भरे हुए हैं, कि आज भी लोग गिरते हुए को सहारा देते हैं। और सिर्फ हल्द्वानी के ये चंद ही लोग क्यों, हम सब भी किसी न किसी तरह से जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, ताकि ये समाज जीने के लिए कहीं ज्यादा सुंदर जगह बन सके। Thank you.